डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10 के चैप्टर नंबर 7 मैथ्स के अंदर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके क्वेश्चन देख रहे हैं, जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था। और यहाँ पे डिजिट सेंसर के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए आप कॉन्सेप्ट समझने की ट्राई करना। सो दैट द क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस फॉर्मड बाय द वर्टिसेस पी क्यू आर एस इज नॉट अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं है, ऐसा प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करेंगे मैं क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस। पी के वर्टाइसिस है 22 एंड 5, क्यू के वर्टाइसिस है 7 एंड 10, आर के वर्टाइसिस है 324 एंड सॉरी आर के वर्टाइसिस है 12 11 और एस के वर्टाइसिस 324। और हम सब लोगों को बेसिक प्रॉपर्टी चेक मालूम है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। यहाँ पे पैरेललोग्राम नॉट अ पैरेललोग्राम, तो हम यहाँ पे ऑपोजिट साइड PQ इज नॉट इक्वल टू SR, अदरवाइज PS इज नॉट इक्वल टू QR प्रूव कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड RS। ओके, तो यहाँ पे X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 क्या आपको या तो डायरेक्टली दो स्टेप के अंदर भी मिल सकता है तो नहीं भी मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं पी क्यू पॉइंट के बीच में। तो पी क्यू के वर्टाइसिस डिस्टेंस फॉर्मूला X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। नाउ X2 की वैल्यू है 7 माइनस 22 का होल स्क्वायर प्लस Y2 की वैल्यू 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 22 यानी 15 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। नाउ 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 एंड 5 का स्क्वायर 25। द सम ऑफ द पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 250 यूनिट। नाउ एस आर इज इक्वल टू होगा X4 माइनस X3 का स्क्वायर प्लस Y4 माइनस Y3 का स्क्वायर। X4 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 3 माइनस 12 का स्क्वायर प्लस Y4 की वैल्यू क्या है 24 माइनस 11 का स्क्वायर। नाउ 3 माइनस 12 करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 माइनस 12 यानी कि 9 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 24 माइनस 11 13 का स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ द 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 एंड 13 का स्क्वायर होगा 169। सम करो दोनों का, 1 प्लस 9 10 कैरी 1 6 प्लस 1 7 7 प्लस 8 5 25 अंडर रूट 25 यूनिट। नाउ यहाँ पे हमारा मिशन, फर्स्ट मिशन तो फिनिश हो गया कि पी क्यू और एस आर बोथ आर इक्वल है। नाउ फाइंड आउट करते हैं PS, तो PS इज इक्वल टू होगा X4 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y4 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। नाउ X4 की वैल्यू है 3 माइनस 22 का होल स्क्वायर प्लस 24 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 22 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 18 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 24 माइनस 5 करो तो 19 का स्क्वायर। ओके, 18 का स्क्वायर होता है 8 16 16 plus 6 22 or 32 1 plus 5 1 plus 2 3 324 प्लस 19 का स्क्वायर 361। दोनों का एडिशन कर दो तो आपको PS की वैल्यू मिलेगी 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 3 368 यूनिट। नाउ QR की वैल्यू फाइंड आउट, QR इज इक्वल टू
एक्स थ्री माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू का स्क्वायर। नाउ एक्स थ्री की वैल्यू है 12 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री की वैल्यू है 11 माइनस 10 का होल स्क्वायर। 12 माइनस 7 यानी कि 5 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और 11 माइनस 10 यानी कि 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 1 क्यू आर इज इक्वल टू 26। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये पैरेललोग्राम है तो पी एस इक्वल टू क्यू आर होना चाहिए, बट यहाँ पे हमें पी एस की वैल्यू क्या मिली है अंडर रूट 685, और यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू क्या मिली अंडर रूट 26। हियर पी एस इज नॉट इक्वल टू क्यू आर, इट इज पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर एंड विच आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। सो पी क्यू आर एस इज नॉट पैरेललोग्राम। Because opposite side of a parallelogram are equal. But here PS is not equal to QR. PS is not equal to QR. Okay. Thank you student. एक interesting मस्त मजा का question देखने को आपको समझ में आया होगा I hope. So आपको question अच्छा लगा हो और समझ में आएगा तो video को like करना भी भूलना नहीं और channel को subscribe करना भी भूलना नहीं। और ऐसे video बहुत सारे video हमारे channel के अंदर playlist के अंदर जाओगे तो आपको chapter wise important question है वो मिल जाएंगे। Okay. Thank you student watching for videos.